गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉटनी की क्लास जो कि आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है और जिसमें हम टॉपिक ले रहे हैं आज फक्सीनिया। ठीक है, तो फक्सीनिया जो टॉपिक है आपका, उसका क्वेश्चन कई प्रकार से एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है, कई प्रकार से उसका जो क्वेश्चन है वो आपसे किया जाता है। कई बार उसको आप समझ पाते हैं, कई बार नहीं समझ पाते। जैसे कि उन्होंने पूछ लिया आपसे ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट पर निबंध लिखिए। अब ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, आप सोचेंगे कि कोई अलग क्वेश्चन है या अलग उसमें पार्ट है, कहाँ से आया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपसे कई प्रकार से वो क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट पर निबंध लिखिए, फक्सीनिया की लाइफ साइकिल बताइए, किसी एक हेट्रोसियस फंगस की लाइफ साइकिल को समझाइए। अब जैसे आपसे पूछ लेंगे किसी एक हेट्रोसियस फंगस की लाइफ साइकिल, तो आप सोचेंगे हेट्रोसियस फंगस क्या होता है, उसकी लाइफ साइकिल मुझे नहीं पता, मैंने तो फक्सीनिया की पढ़ी है लेकिन हेट्रोसियस फंगस क्या होता है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो हेट्रोसियस फंगस भी एक फक्सीनिया के अंतर्गत ही वो आता है। आपसे पूछ लेंगे फक्सीनिया की डाइकैरियोटिक फेज का वर्णन कीजिए। ठीक है, या आपसे पूछेंगे यूरिडोस्पोर, टिल्यूटोस्पोर या बेसिडोस्पोर्स पर निबंध लिखिए या उनको संक्षिप्त में समझाइए। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये आपके एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनको देख कर के आप घबराइए मत। तो जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं, आप जैसे जब इस टॉपिक का नाम लिखेंगे, जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे क्वेश्चन डालना है। ठीक है, कि एग्जामिनर आपसे किसी भी प्रकार का यदि क्वेश्चन करता है, कहाँ से भी करता है, कहीं से भी करता है, तो उसका आंसर आपको पता हो कि अरे ये फक्सीनिया का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं फक्सीनिया। फक्सीनिया की सबसे पहले आप जो है सिस्टमैटिक पोजीशन में आपको समझा दे रही हूँ कि फक्सीनिया की जो सिस्टमैटिक पोजीशन है वो क्या है। तो फक्सीनिया का आपका किंगडम है वो क्या है, आपका किंगडम इसका फक्सीनिया का क्या है, आपका माइकोटा। डिवीजन क्या है उसका, यू माइकोटा, और सब डिवीजन क्या है, बेसिडो माइकोटिना। जो फक्सीनिया का किंगडम है माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, जैसे कि आपने कारा में पढ़ा था, कारा का किंगडम क्या था, कारा का भी किंगडम माइकोटा था, डिवीजन यू माइकोटा था। इसका सब डिवीजन क्या है आपका, बेसिडो माइकोटिना, और क्लास क्या रहेगा, टीलियो माइ सिटीज, ऑर्डर क्या रहेगा, यूरेडिए नेम, और फैमिली रहेगी इसकी फक्सीनिएसी। जैसे कि आपने बताया था कोई भी आपकी फैमिली हो उसमें आपको क्लास में क्या लगाना है, ए सी बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो फक्सीनिया है वो ग्रैमिनिस्ट प्लांट जैसे कि गेहूं, जौ, जई आदि की फसलों पर आक्रमण करती है। जो फक्सीनिया है वो किस पर आक्रमण करती है, जौ पर, गेहूं पर, बाजरा पर, इस प्रकार की फसलों पर ये क्या करता है, आक्रमण करता है। फक्सीनिया की लगभग कितनी जातियां पाई जाती हैं, 1800 जातियां ज्ञात हैं जो गेहूं की फसलों पर आक्रमण कर अत्यधिक हानि पहुंचाती हैं। और ये जो फक्सीनिया है उसकी जो जातियां हैं वो कम से कम 1800 हमें ज्ञात हो चुकी हैं, और जो सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करती हैं, गेहूं की फसल को, गेहूं की फसल को ये बहुत प्रकार से हानि पहुँचाती हैं। अब इनसे कौन कौन सी बीमारियाँ किन किन प्लांट्स में होती हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो जो इम्पॉर्टेंट रस्ट ऑफ व्हीट है वो कौन कौन सी है, एक तो गेहूं के पौधों पर निम्न तीन प्रकार की रस्ट डिसीज़ पाई जाती हैं। फक्सीनिया गेहूं के पौधों पर कितने प्रकार की डिसीज़ उत्पन्न करता है, तीन प्रकार की, एक तो है आपकी ब्लैक रस्ट, दूसरा है आपका येलो रस्ट, और तीसरा है आपका ब्राउन रस्ट, जैसे कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। तो ब्लैक रस्ट क्या होता है, ब्लैक रस्ट में पेड़ पौधों पर, गेहूं के जो पेड़ पर है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो यह फक्सीनिया ग्रैमिनस ट्रिटियाई फंगस द्वारा उत्पन्न होता है, जैसा कि मैंने बताया आपको इसकी 1800 जातियाँ ज्ञात हैं। तो जो आपका
ब्लैक रस्ट है वो किस फंगस के कारण होता है? पक्सीनिया ग्रैमिनस टिटियाई नामक फंगस के द्वारा जो है वो उत्पन्न होता है। फंगस का जीवन चक्र दो होस्ट गेहूं तथा बारबेरी पर पूर्ण होता है। गेहूं जो फंगस है इसका लाइफ साइकिल कितने होस्ट पर होती है? दो होस्ट पर। कौन कौन से होस्ट पर? एक तो बारबेरी पर और दूसरा गेहूं पर। मतलब ये दो प्लांट्स पर अपना जीवन व्यतीत करता है, एक तो गेहूं पर और दूसरा बारबेरी के प्लांट्स पर, जिनमें पांच प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। और इसमें क्या बनते हैं? पांच प्रकार के स्पोर्स जो हैं वो बनते हैं। यदि हम येलो रस्ट की बात करें तो येलो रस्ट में क्या रहता है? यह रोग पक्सीनिया स्टेरिफॉर्मिस फंगस द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ये स्टेरिफॉर्मिस फंगस द्वारा ये रोग जो है गेहूं में उत्पन्न होता है, जिसमें कोई अल्टरनेट होस्ट नहीं पाया जाता है। जैसा कि आपने देखा ब्लैक रस्ट में दो होस्ट पाए जा रहे थे, एक तो आपका गेहूं और दूसरा आपका बारबेरी, लेकिन इसमें कोई अल्टरनेट होस्ट नहीं पाया जाता, केवल ये गेहूं पर ही यह रोग उत्पन्न होता है और इसी पर ये अपनी लाइफ साइकिल को जो है कंप्लीट करता है पक्सीनिया। दूसरा है आपका ब्राउन रस्ट, यह डिसीज पक्सीनिया रिकोनिडिटा द्वारा उत्पन्न होती है। उस फंगस जो बीमारी है, फंगल इन्फेक्शन होता है जो पक्सीनिया से, वो किस जाति के द्वारा होता है? पक्सीनिया रिकोनिडिटा द्वारा उत्पन्न होता है। यदि हम बात करें इसके, अब हम इनके बारे में जो है आपका ब्लैक रस्ट हो गया, येलो रस्ट हो गया, ब्राउन रस्ट हो गया, इनके बारे में पूर्णतः पूरा एक लाइफ साइकिल का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम ब्लैक रस्ट की बात करें तो हम इसमें अध्ययन करेंगे इसकी लाइफ साइकिल। ब्लैक रस्ट किस में पाया जाता है? नॉर्मली वीट में। तो इसकी हम लाइफ साइकिल के बारे में, सिस्टमेटिक पोजिशन के बारे में जानेंगे, ऑक्यूरेंस के बारे में जानेंगे, इसकी लाइफ साइकिल हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन सी और भी चीज़ें उपस्थित रहती हैं, और मैं इसके आपको जो लाइफ साइकिल है ब्लैक रस्ट की, या जिसके द्वारा साइकिल ऑफ पक्सीनिया ग्रैमिनस के कारण जो होता है, उसके बारे में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। तो आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ा। क्या पढ़ा? कि पक्सीनिया की सिस्टमेटिक पोजिशन क्या है, पक्सीनिया की कितनी जातियाँ हमें ज्ञात हैं, पक्सीनिया से कौन कौन से रोग होते हैं, और रोग होते हैं तो वो किस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, हमें पता, हमने ज्ञात किया, हमने जाना कि जो रोग हैं वो किस पर इफ़ेक्ट ज़्यादा करते हैं। एक तो गेहूं पर, ज्वार पर, बाजरा पर, है ना, इस प्रकार की फसलों पर जो है वो पक्सीनिया है उसका अधिक प्रभाव रहता है, उसको अधिक हानि पहुँचाते हैं। अब गेहूँ पर जो ब्लैक रस्ट नामक रोग होता है, उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।